हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है अगस्त महीने के अंदर जो लास्ट ट्रेडिंग डे है, यानी कि कल का जो दिन है वो लास्ट ट्रेडिंग डे है अगस्त का। और सितंबर का जो मंथ है वो कुछ कारणों से विशेष रहने वाला है। पहला कारण आप लोग जानते हैं कि अगर हम देखें कि जो अगस्त में जो तेजी रही है स्पेशली निफ्टी 50 के अंदर, हालांकि स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स ने कुछ बहुत खास किया नहीं है और बैंक निफ्टी अपने हाई से अभी दूर है, तो ऐसी संभावना बनती है कि सितंबर के अंदर जो है हम मंथ एंड के अंदर एक गिरावट जो है एंटिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अपनी पोजीशंस को सेट कर रहे हैं, और आज वो देखने के लिए भी मिला कि जब आज हम मंथली एक्सपायरी के एंड में थी तो मंथली एक्सपायरी आज एक वोलेटाइल सेशन में रही। हालांकि निफ्टी 50 ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया नीचे से, कुछ खबरें भी बड़ी पॉजिटिव थी जैसे कि रिलायंस का 1:1 की रेशियो में एक बोनस अलॉटमेंट आएगी, तो कुल मिलाकर एक शेयर्स के बदले में एक शेयर और आएगा, तो वहाँ से एक रिलायंस में एक पॉजिटिव आउटकम हमें देखने के लिए मिला। तो सुबह से ही हालांकि रिलायंस का शेयर तेज़ था, और निफ्टी 50 के मेजर कंट्रीब्यूटर्स में भी अगर हम बात करें तो आज रिलायंस 50 पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा था। टाटा मोटर्स इसके बाद जो दूसरा शेयर था जिसमें काफ़ी अच्छी तेजी थी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोटक महिंद्रा, सन फार्मा, लार्सन और टाटा स्टील, तो ये शेयर्स थोड़े से कमजोरी के साथ थे। अगर हम चार्ट पैटर्न की बात देखें तो देखिएगा चार्ट ना जो अभी भी आज के जो चार्ट पैटर्न्स हैं वो स्पेशली बुल्स के फेवर में जा रहे हैं, और बुल्स की जो टेक्निकल एनालिसिस देखने वाले लोग हैं वो ये कहने वाले हैं बस कि अब एक अच्छी खासी तेजी निफ्टी 50 में होगी और शायद उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए बैंक निफ्टी का सहारा लिया जाएगा, ऐसी एक आम राय सी बन रही है। लेकिन ये जो राय बन रही है वो टेक्निकल पैरामीटर्स पर बन रही है, और टेक्निकल पैरामीटर्स पर जो निफ्टी के प्लेयर्स हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि जी अभी यहाँ से एक ब्रेकआउट आएगा और बाजार यहाँ से 200 300 500 पॉइंट और चलेगा। बट मुझे लग रहा है कि जो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं ये एक भ्रमित करने के लिए जो है बड़े प्लेयर्स जो हैं आज की डेट में करते हैं, क्योंकि एल्गोस में ट्रेड होते हैं। यहाँ पर एक विशेष सावधानी वाली बात है, निफ्टी की जो पुट कॉल रेशियो है वो भी 1.2 के आसपास आ गई है, तो हो सकता है कि ये अभी थोड़ी सी और गुंजाइश हो निफ्टी के अंदर, क्योंकि बैंक निफ्टी स्टॉक्स ने परफॉर्म नहीं किया है, तो हो सकता है कि अगर बैंक निफ्टी स्टॉक्स थोड़ा सा परफॉर्म करने लगे तो निफ्टी थोड़ा सा और चलने की गुंजाइश रखता है। लेकिन यहाँ पर जो डबल टॉप पैटर्न की हम बात कर रहे थे वो जो है कंफर्म हो सकता है 1 या 2 दिन के बाद, 2 ट्रेडिंग सेशन में नेक्स्ट वीक में, अगर ऊपरी लेवल से सेलिंग स्टार्ट होती है तो, और अगर यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू होती है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि वो वन वे सेलिंग नहीं होगी। हालांकि बाजार धीरे 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 जो है बहुत बड़े झटके के साथ बाजार नहीं टूटेंगे बल्कि धीरे 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 जो है कमज़ोर होते हुए नज़र आएंगे। जैसे आप लोग देखते हैं कि बाजारों में बहुत बड़ी गिरावट आ जाती है, जैसे भी आपने देखा था पीछे अगस्त के महीने की शुरुआत में ऊपर से 3 कैंडल के अंदर निफ्टी सीधा 25,000 से 24,000 आ गया था, और 3 कैंडल के अंदर ही 25,000 की जो कैंडल थी वो पहली कैंडल 25,000 पर भी देखिए, दूसरी और तीसरी 24,000 के ऊपर, तो कुल मिलाकर 3 दिन के अंदर जो है बाजार ने 25,000 भी देख लिया और 24,000 भी देख लिया, और उसके बाद एक बेस बनाकर बाजार चला। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इस तरीके की बड़ी गिरावट आएंगी तो मंथली एक्सपायरी में आएंगी, बट बाजार में डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा धीरे 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 धीरे। अब जो बाजार के बड़े प्लेयर्स हैं वो धीरे धीरे जो शेयर्स हैं वो ऑफलोड करते हुए नजर आएंगे। आज स्मॉल कैप और मिड कैप में भी जो है जान थी नहीं, हालांकि निफ्टी में क्योंकि मंथली एक्सपायरी थी उस वजह से हमें निफ्टी में एक तेजी देखने के लिए मिली। उसके बाद अगर हम एडवांस डिक्लाइन भी देखें तो ये सब कुछ बयां कर रही है कि जो ब्रॉडर मार्केट में जो स्ट्रेंथ है वो नहीं है, मिस है जो हुआ करती थी, और अब गिरने वाले जो शेयर्स हैं एक बढ़ने वाले शेयर्स के सामने 2.1 शेयर्स जो हैं गिरने वाले लगभग हैं।
टाटा मोटर्स, बजाज फिनसर और भारत पेट्रोलियम जैसे शेयर्स तेज थे। ग्रासिम, महिंद्रा, JSW और डॉक्टर रेड्डी जैसे शेयर्स में कमजोरी थी। निफ्टी बैंक जो है छका रहा है। अब निफ्टी बैंक की जो हम पिछले हफ्ते की हमने एनालिसिस में भी चर्चा की थी, 51,300 और 400 ये एक दायरा है, और मैं इसको अब थोड़ा सा ब्रोड कर देता हूँ आज, क्योंकि बाजार यहीं पे काम कर चुका है, तो मैं इसको भी 51,500 तक लेके जाता हूँ। और ऑप्शन चेन के डेटा भी यही कह रहे हैं, अगर बाजार 51,500 तक नीचे रहता है तो बाजार जो है हम साइडवेज ही एंटिसिपेट करेंगे। 51,500 के बाद एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली एंटिसिपेट कर सकते हैं, और नीचे की तरफ अगर हमें लगे तो जो 50,800 का दायरा है वो एक अहम सपोर्ट का काम करेगा, और 50,800 के नीचे अगर बाजार जाता है तो बाजार की जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाएगी। हालांकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो सितंबर एंड के अंदर जो प्रोग्राम होना है वो थोड़े से कमज़ोर के निशान जो हैं दिखाएंगे। रीज़न ये है क्योंकि अक्टूबर में रिजल्ट आ जाएगा, और सबसे विशेष बात है कि सितंबर के अंदर एडवांस टैक्स की पेमेंट कंपनीज़ को भी करनी है, और जो इन्वेस्टर्स या जो ट्रेडर्स अच्छा पैसा कमा के बैठे हुए हैं तो वो अगर किसी ने कम भी कमाया तब भी मतलब टैक्स लाइबिलिटी तो बनती है। तो जो बहुत बड़ी जो लिक्विडिटी ट्रेडर कम्युनिटी की है, जो इन्वेस्टर कम्युनिटी की है, वो लिक्विडिटी जो है गवर्नमेंट के खजाने में जा सकती है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा सितंबर का महीना अगर हिस्टोरिकली भी देखें तो थोड़ा सा वीक रहता है। और यहाँ पर बाजार अपने हायर लेवल्स पे हैं, और जब सितंबर का क्वार्टर आपके पास यानी कि क्लोज होगा तो 15 सितंबर की जो डेट है वहाँ पर जो है एडवांस टैक्स भरना है, तो मुझे लगता है कि 8-10 तारीख तक जो है बाजार शायद कुछ बहुत बड़ी गिरावट ना दिखाए, लेकिन 8-10 तारीख के बाद जो है बाकी का जो पार्ट ऑफ द मंथ है वो शायद एक वीक रह सकता है, और स्मॉल कैप और मिड कैप शायद पहले से ही वीक होना शुरू हो जाए। तो स्मॉल कैप और मिड कैप में हो सकता है कि आपको वीकनेस पहले से देखने के लिए लग जाए, क्योंकि ऐसा नहीं कि 15 तारीख को आपने एडवांस टैक्स भरना है तो तभी जाके भरोगे, तो उसके लिए जो पोजिशनिंग है वो थोड़ा सा पहले से शुरू हो जाती है। तो बाजार में हमारे को ऐसा लग रहा है कि निफ्टी हालांकि अभी काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, हो सकता है कि निफ्टी बैंक भी पार्टिसिपेट कर दे, लेकिन अगर निफ्टी बैंक के चार्ट देखें तो ये जो गैप थी हमने कहा था कि एक टेक्निकल बाउंस आना चाहिए, गैप फिल होना चाहिए, 51,300 आना चाहिए, वो आ गया है। अब यहाँ से एक स्पेसिफिकली या तो बाइंग आएगी, तो वो जो बाइंग है उसका भी जो अगला लेवल है 51,500 हमारे लिए रेजिस्टेंस है, हालांकि फिर भी उस लेवल के अंदर भी 51,800 तक की गुंजाइश बनती है ऊपर की तरफ, लेकिन कोई बहुत बड़ा जो है व्यू हमारा अभी नहीं है तेजी का। और SBI, एक्सिस बैंक, PNB और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और बंधन बैंक तेजी में थे, और बैंकिंग स्टॉक में देखिएगा फंडामेंटली भी रीजंस है। अभी मैं कैनरा बैंक के बारे में पढ़ रहा था तो वो अपनी कैपिटल एडिक्वेसी के लिए भी जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, और उन्होंने आज अनाउंसमेंट किया कि भाई जो Tier 2 कैपिटल है उसके लिए जो बॉन्ड्स हैं वो रेज करेंगे। तो बैंकों के पास दिक्कत ये हो रही है कि जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, यानी कि जो कैपिटल बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए चाहिए, वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। दूसरी बात, जो डिपॉजिट्स हैं वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। लोन की तो देखिएगा डिमांड बहुत अच्छी है, लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ नहीं होगी तो आप अपनी बैलेंस शीट को एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो बैंकों की जो बैलेंस शीट है उसको एक्सपेंड करने की जो संभावना है वो थोड़ी सी कम हो रही है, और उसके रीजंस में फंडामेंटल्स हैं। दूसरी बात ये कि अभी NPA वाली सिचुएशंस नहीं है, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट US में घटते हैं तो बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई इंडिया के बाजारों में या बाकी मार्केट्स में अच्छी तेजी होगी। मुझे लगता है कि अगर वो रेट घटेंगे तो जो मेटल्स हैं उसमें स्पेशली मुझे लगता है गोल्ड और सिल्वर, वो शायद ज़्यादा पॉजिटिवली रिएक्ट करें बाजार के सामने। और यहाँ पर बाज़ारों में अक्सर ऐसा देखने के लिए मिलता है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट की साइकिल घट रही होती है तो बाजार ज़्यादा बड़ी तेज़ी के अंदर नहीं रहते हैं, बल्कि ऐसे स्थिति में बाजारों में प्रॉफिट बुकिंग आती है इनिशियली, हालांकि ज़रूर एक पॉजिटिव आउटकम रहता है। तो वो भी अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से GDP के डेटा US में आए हैं तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं, तो उनको देख के देखिएगा US के बाजारों में भी ऐसी तेज़ी है, तो ऐसी संभावना बन रही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो कट है वो सितंबर में आने वाला है। तो आप लोग कहेंगे कि जब सितंबर में रेट कट आने वाला है तो फिर तो जो है खुशी मनानी चाहिए, और बाजार में बाजार की देखिएगा वैल्यूएशन से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, और लिक्विडिटी ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में लिक्विडिटी, और जो लिक्विडिटी आएगी ना वो इस बात का भी संकेत दे रही है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घट रहे हैं
तो उसका एक रीज़न ये भी है कि जो डिमांड वाली जो साइड है, ग्लोबल जो डिमांड है वो इम्प्रूव नहीं हो रही है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने से एक समस्या और रहती है कि जो आपकी जो ग्रोथ है, ग्लोबल ग्रोथ, वो भी शायद एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड में रहे। उसके बाद अगर हम बात करें आज डेटा की, तो आज का डेटा जो है FIs की, अपनी FNO की पोजीशंस रही होंगी, तो उनकी एक अच्छी बाइंग थी 3259 करोड़ की, और 269 करोड़ की जो है DIs की भी बाइंग थी। तो इसमें ज़्यादा जो बाइंग और सेलिंग है वो ज़्यादातर आज की मंथली एक्सपायरी से प्रेरित हो सकती है, क्योंकि स्टॉक्स की भी आज एक्सपायरी थी। और निफ्टी की पुट कॉल रेशियो 1.21 पर और 1.3 के आसपास या 1.4 के आसपास जाने पर बाजार अक्सर जो है प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो जाते हैं। तो अगर यहाँ से 200 पॉइंट अगर निफ्टी और चलता है तो वो शायद एक सेलिंग पॉइंट होगा, या एक बहुत जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर आ सकता है। निफ्टी बैंक हालांकि थोड़ा सा स्लाइटली जो है कमज़ोर है, पुट राइटर्स एग्रेसिव नहीं है, तो बैंक निफ्टी में थोड़ी सी गुंजाइश तो बनती है, बट वो कोई बाइंग सिग्नल नहीं है। वो जो है ये हो सकता है कि एक शॉर्ट कवरिंग की वजह से निफ्टी बैंक थोड़ा सा चल सकते हैं। और आज बैंक निफ्टी में भी एक चीज़ देखने के लिए हमें मिली, वो ये था कि कॉल्स के प्रीमियम बढ़ रहे थे जबकि पुट के नहीं बढ़ रहे थे। तो ये इंडिकेशंस रहता है अक्सर कि अगर कॉल के प्रीमियम बढ़ रहे हैं और बाजार बिल्कुल फ्लैट खड़ा है, तो आज की जो इंट्राडे की जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ऑप्शंस की, कॉल ऑप्शंस की, घटनी चाहिए थी, वो नहीं घटी थी। तो इसका मतलब है कि एक ट्रेडर की एक कम्युनिटी काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि बाजारों के अंदर एक तेजी हो सकती है। कॉल के जो बायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे आज, और इसी के साथ साथ जो बैंक निफ्टी के जो प्रीमियम्स हैं वो भी तकरीबन 100 पॉइंट जो है हिस्टोरिकली, अगर अभी हम पास रिसेंट पास्ट की देखें तो उसमें भी थोड़ी सी बढ़ोतरी थी। तो ये हालांकि जो सिग्नल्स हैं वो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग की तरफ जो है इशारा कर रहे हैं। डाउ जोन्स जो है 300 पॉइंट की तेजी है, और ब्रेंट क्रूड $80 पर ट्रेड कर रहा है, और निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर देखिएगा 51,000 एक ऐसा लेवल्स है जहाँ पर पुट राइटर एक्टिव है, 35,000 कॉन्ट्रैक्ट है। तो 51,000 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, जैसा हमने आपके साथ टेक्निकली बात की, तो 51,500 पर एक रेजिस्टेंस है जहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर 51,500 बाजार तोड़ सकता है, क्योंकि 2-3 बार टेस्ट कर चुका है, तो बाजार किधर भी जाए 51,000 के नीचे जाएगा तो भी मैं मंदी नहीं मानता हूँ। मंदी बनेगी 50,800 टूटने के बाद टेक्निकली, हालांकि ऑप्शन चार्ट में नहीं है ऐसा कुछ। और ऑप्शन चार्ट के हिसाब से ऊपर की तरफ अगर तेजी देखें तो 51,500, लेकिन टेक्निकली जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो 51,800 की रेजिस्टेंस है। 51,500 तोड़ने के बाद भी 51,800 एक अहम रेजिस्टेंस रहने वाला है। तो कुल मिलाकर ब्रोडर की मार्केट 50,800 से 51,800 के बीच में बनती है। नैरो रेंज अगर हम बाजार की करें तो 51,000 से 51,500 है। बाजार 50,800 से नीचे अगर क्लोज देते हैं तो बाजार में एक टेक्निकली बढ़िया वाली मंदी बनती है। और अगर बाजार 51,800 के ऊपर बाजार चले जाते हैं और क्लोज देते हैं, तो फिर देखिएगा बैंक निफ्टी में जबर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो मुझे लगता है कि 51,500 भी जाएगा तो 100-200 पॉइंट जो है शॉर्ट कवरिंग में और भी चल सकते हैं। बट बैंक निफ्टी में हम फंडामेंटली ये मान के चल रहे हैं कि एक वीकनेस है, और ये जो तेजी है ये ओनली टाइम बींग है। मैंने कहा था 2 हफ्ते, तो 1 हफ्ता ये बीत गया, तो इसमें भी कोई कोई विशेष तेजी नहीं हुई है। तो हो सकता है कि अगला हफ्ता भी आपको ऐसा ही एक मतलब रेंज बाउंड ट्रेड हो सकते हैं। तो अभी हमारा जो मामला है कि वो एक नैरो रेंज में बाजार चलते हुए नजर आएंगे। क्लियर डायरेक्शन बैंक निफ्टी में लगता है 50,800 टूटने के बाद बनेगी, और फिर वहाँ से 1,200 से 1,500 पॉइंट के फॉल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। इसी तरीके से 51,500 तोड़ने के बाद 51,800 पहला पड़ाव बनता है। अगर 51,800 टूट जाता है और ऊपर की तरफ, तो हो सकता है कि आपको जो पुराने हाईज हैं वहाँ तक भी बाजार जाता हुआ नजर आए आने वाले टाइम में, 8-10 तारीख तक। लेकिन 10 तारीख के बाद हमारा जो अभी हाल फिलहाल में जो हमारी कैलकुलेशन है वो ये इंडिकेट कर रही है कि बाजार जो है सितंबर में एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग की गर्त में गिर सकता है। आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।